गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे वी विल लर्न एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर द ट्री एंड द ट्रेवलर्स ओके सो फर्स्ट वन इज चूज़ द करेक्ट आंसर द बिग ट्री वॉज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ ड्राई लैंड फॉर द मोर देन डैश ईयर्स ठीक है एक बहुत ही बड़ा ट्री था जो एक ड्राई लैंड के मिडल पे सेंटर पे बीच पर स्थित था और जो कितने साल का पुराना था हंड्रेड ईयर्स कितने साल पुराना था हंड्रेड ईयर्स ओके सेकेंड इज बिग ट्रीज एक्ट जो बड़ा ट्री था वो बहुत सारे टाउन्स और विलेज का जो एरिया था वहाँ पर बहुत सारे जो गांव और शहर थे उनका क्या था कौन सा पॉइंट था कनेक्शन पॉइंट था ठीक है तो क्या होगा कनेक्शन पॉइंट थर्ड इज द टू डैश व ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस ठीक है दो कौन थे जो एक बहुत ही दूर जगह से ट्रैवल कर रहे थे दो ट्रैवलर्स होंगे ठीक है दो यात्री फोर्थ इज ट्रैवलर डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर द travelers ट्रैवलर्स ने डिसाइड किया कि वो किसके नीचे पर बैठ कर अनाम करेंगे ट्रीज के ट्री के ठीक है ट्री के फिफ्थ वन इज़ वन ट्रैवलर स्टार्टेड डैश द ट्री ड्यू टू हिट्स एंगर एक जो ट्रैवलर था वो भूख की वजह से गुस्से में आकर ट्री को क्या करने लगा कर्ज करने लगा ठीक है उसको श्राप देने लगा उसको उसके बुरा भला बोलने लगा कर्सिंग होगा ठीक है नेक्स्ट इज इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन इज द बिग ट्री गेव रेस्ट एंड शेल्टर टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड डैश जो बड़ा ट्री था वो बहुत सारे मतलब सैकड़ों हजारों किनका ठीक है रेस्ट और शेल्टर मतलब आराम और आश्रय देने का काम करता था किन के लिए ट्रैवलर्स के लिए ठीक है सैकड़ों हजारों जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए रेस्ट और शेल्टर देने का काम करता था सेकेंड इज द ट्री हैज़ अवज़ एंड ब्रोड ट्रंक विथ मैनी डैश उस बड़े ट्री का बहुत ही चौड़ा ट्रंक था तना था और उसमें बहुत सारी क्या थी ब्रांचेस थी ठीक है शाखाएँ थी थर्ड वन इज़ द ट्रैवलर हैड स्टार्टेड देयर डैश फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग वो जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने क्या अपने सुबह से क्या स्टार्ट कर दिया था अपनी जर्नी अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी फोर्थ इज ट्रैवलर्स लैप फॉर सम सम समाइम हैप्पली द दूथिंग कुल ड्रेस ऑफ द ट्री जो ट्रैवलर्स थे वो स्ट्री का सूथिंग कुल ब्रिज मतलब ठंडी जो आरामदायक जो हवा थी उससे क्या करने लगे हैप्पली इंजॉय करके सोने लगे ठीक है तो ब्रिज आएगा एंड फिफ्थ वन इज़ वन ऑफ द ट्रैवलर डिसाइडेड टू डैश द ब्रांचेस ठीक है उन ट्रैवलर्स में ना एक ने डिसाइड किया कि वो पेड़ पर क्या करेंगे क्लाइंब करेंगे क्लाइंब मतलब चढ़ेंगे ठीक है सी ट्रू और फॉल्स एक्सेप्ट द बिग फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्ट द बिग ओल्ड ट्री देयर वॉज नो वन अदर ट्री कैन ऑफर रेस्ट टू द पीपल ठीक है उस बिग ट्री के अलावा वहाँ पर कोई भी ट्री नहीं थी जो लोगों को अ, आराम करने के लिए दे सके जगह हो या कोई भी अदर ट्री तो येस दैट इज़ ट्रू सेकेंड वन इज़ ट्रैवलर्स वॉकिंग फॉर सेवरल मीन्स ऑन अ हॉट एंड सनी डे जो ट्रैवलर्स थे वो काफ़ी घंटों से काफ़ी काफ़ी मील से मतलब काफ़ी दूर तक इतने हॉट, गर्म और सनी डे में वो चलते हुए थर्ड वन इज द टू ट्रैवलर्स डिड नॉट टेक रेस्ट अंडर द बिग ट्री दोनों ट्रैवलर्स ने उस पेड़ के नीचे पर आराम करने का फैसला नहीं लिया तो दैट इज फॉल्स उन्होंने आराम किया था उनके उसके पेड़ के नीचे फोर्थ दिस वन ऑफ द ट्रैवलर डिसाइडेड टू क्लाइम द ब्रांचेस एंड फाउंड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स ऑन द ट्री एक ट्रैवलर ने डिसाइड किया कि वो पेड़ पर चढ़ेगा और उस पर ब्रांच पर चढ़ेगा एंड उसने चढ़ा तो उससे बहुत सारे फ्रूट्स मिले क्या नहीं दैट इज़ फॉल्स ठीक है एंड फिफ्थ वन इज़ द ट्रैवलर रिलइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू द ट्री ठीक है ट्रैवलर को अपनी गलती का मिस्टेक हुआ और उसने अपोलोजाइज अपोलोजाइज मतलब उसने माफ़ी मांगी क्या ट्री से येस दैट इज़ ट्रू थैंक यू